नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें कि दरभंगा जिला में यहाँ अली अशरफ फातमी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं उनके नेतृत्व में, और यहाँ अजय चौधरी हैं जिला अध्यक्ष हैं जदयू के, सह बेनीपुर विधायक हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर इस चुनाव पर रोक लगाई है, जिससे बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। उक्त बातें जिला मुख्यालय लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर विनय कुमार चौधरी जो जिलाध्यक्ष हैं जदयू के, उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि इनके अध्यक्षता में जिला यहां पर जिला जनता दल एवं नगर जदयू के द्वारा आयोजित आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के हक को लेकर हमारी पार्टी, हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता रही है। समाज में पिछली व्यक्ति के पंक्ति के शोषित और वंचित समाज के लोगों को विशेष अवसर देकर उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाया जाएगा, परंतु भाजपा हाईकोर्ट के इस फैसले पर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। विनय कुमार चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अलग थलग पड़ चुकी भाजपा अपनी राजनीति जमीन खिसकने से घबरा गई है। अलग थलग पर चुकी भाजपा इस तरह से घबरा रही है जैसे लग रहा है कि क्या हो गया है। यहाँ पर जो ये भी उन्होंने कहा है कि समाज में भ्रम फैलाने की नापाक कोशिश की जा रही है, जबकि नीतीश कुमार अधिपक्ष पिछड़ा वर्ग के पिछड़े अधिकार और सम्मान की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन आरक्षण विरोधी भाजपा के इस भ्रम फैलाने की कोशिश को अति पिछड़ा समाज के लोग भली भांति समझ रहे हैं। विनय कुमार चौधरी ने क्या कहा है और अली अशरफ फातमी ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं और यहाँ हायाघाट से जो जिला परिषद प्रतिनिधि है फूल बाबू, उन्होंने क्या कहा है। बहेरी के जो जदयू के युवा नेता है उन्होंने क्या कहा है, ये सभी आपको सुनाते हैं। विशेष कवरेज देखिए भारत उदय समाचार को, सब्सक्राइब शेयर करिए। ये किसके लिए मैसेज है, बिहार के लिए मैसेज है कि केंद्र के लिए? देश के लिए, केंद्र सरकार के लिए। हम लोग तो उसके साथ ही, बिहार सरकार तो उसके साथ ही, केंद्र के लिए, केंद्र के लिए। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी होश में आओ, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और प्रजातंत्र के अंदर है और ये सब की धज्जियां उड़ा करके भारतीय जनता पार्टी शर्म का जो इंतहा हो सकता है, मुकाम हो सकता है, उसको बात कर सकते हैं। आज उनकी वजह ही से बिहार के अंदर सारा इलेक्शन हो गया और मैं समझता हूँ कि वो जो गरीबों के लिए जो आंसू बहाते हैं दिखाने वाला, वो झूठा है। ना तो बिहार के और देश के गरीब नौजवानों के लिए उनके पास अच्छी सोच है, ना किसानों के लिए अच्छी सोच है, ना ये जो गरीब जो हैं, दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या आदिवासी लोग हैं, अल्पसंख्यक की तो बात ही मत कीजिए। तो उनके एजेंडा में ये सब नहीं है। सरकार का जो मंशा है वो अति पिछड़ा बिहार में चाह रहा है कि अति पिछड़ा आरक्षण रोस्टर को समाप्त करे, इसीलिए बीजेपी झूठा पार्टी है। उस पर हमारे हायाघाट का जदयू कार्यकर्ता एकदम आग बबूला बहुत आक्रोशित था। हमारे सबको लड़ाई है, जब तक नीतीश कुमार हमारे नेता बिहार का नेता हैं तब तक हमारे सब की आरक्षण किसी की झूठे पार्टी का ताकत नहीं कि हटाने का काम करेगा। हम सब नीतीश कुमार के साथ हैं, कदम से कदम मिलाने के लिए, सड़क पर आने के लिए, विधान लोकसभा घेरने के लिए हम सब काम करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ फूल बाबू लाल देव, जिला प्रतिनिधि है। कहाँ से आए थे, क्या लगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए आज पूरे प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के आह्वान पर जिला मुख्यालयों में भाजपा का जो आरक्षण विरोधी चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक दिवसीय मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो भाजपा का जो आरक्षण विरोधी चेहरा है जिसमें उन्होंने नगर निकायों के चुनाव में रिट दायर करवा के हाईकोर्ट में उस आरक्षण को रोकने का काम किया है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने 2005 में नगर पंचायती स्तर पर भी और नगर निकाय में भी जो आरक्षण दिया उसी आधार पर चुनाव होता आया है, कभी भी नहीं रुका। लेकिन इसके भाजपा के अंदर जो है तो गलत मानसिकता है, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित शोषित और महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देने का जो प्रोपगेंडा है उसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में
देश के युवा जिसको उन्होंने बेरोजगारी के नाम पर छला है, रोजगार देने के नाम पर छला है, उसको माकूल जवाब देने का काम। क्या नाम आपका? राम शंकर सिंह, जिला अध्यक्ष युवा जदयू दरभंगा। कहाँ से आए थे? बहेरी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार।